सब कुछ है मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं भजन संगीता अध्याय 11 वचन 5 से। भजन संगीता अध्याय 11 वचन 5 से आइए देखते हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि यहोवा धर्मी जनों को परखता है। कहता है जितने धर्मी जन होते हैं, जितने परमेश्वर से प्रेम रखने वाले और उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, परमेश्वर ऐसे धर्मी जन को परखता है, उनकी पहचान करता, उन्हें परखता है कि सच में वे धर्मी योग्य है या नहीं, या सच में वह परमेश्वर के योग्य है या नहीं। इस बात को परखने के लिए परमेश्वर बार बार धर्मी जन के ऊपर दृष्टि डालता है और उन्हें परखता है। परंतु वचन कह रही है कि वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी अपनी आत्मा में घृणा करता है। कहता है परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं, कहता है कि परंतु वह परमेश्वर क्या करता है, जितने दुष्ट जन हैं जो उपद्रव के कामों से प्रीति रखते हैं, जो बुरे कामों से प्रेम रखते हैं, परंतु जो दुष्टता से मेल मिलाप और प्रेम रखते हैं, वचन कहती है ऐसे लोगों से परमेश्वर अपनी आत्मा में घृणा करता है। कहता है जितने धर्मी जन हैं, धर्मियों से प्रेम करता और उन्हें परखता है, और कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं, उपद्रव से प्रीति रखने वाले, कहता ऐसे लोगों से आत्मा में घृणा करता है। अरे वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, कहता है परमेश्वर क्या करेगा कि वह दुष्ट जनों के ऊपर फंदे बरसाएगा, उनके ऊपर अपने फंदे बरसाएगा, उन्हें उनके ऊपर भारी ताड़नाएं बरसाएगा। कहता है कि वह दुष्टों पर तो फंदे बरसाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है कि वह क्या करेगा कि जितने दुष्ट जन हैं उनके ऊपर फंदे यानी अंगारे बरसाएगा, अपना क्रोध बरसाएगा, क्रोध बरसाएगा, अंगारे, आग के अंगारे बरसाएगा। और वचन कहती है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट देगा। कहता है कि आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट देगा, अर्थात वह वचन कह रही है कि उनके उनके लिए वह परमेश्वर क्या करेगा, जितने दुष्ट जन हैं, कहता है अंत में क्या करेगा, उनके लिए आग का अंगार और गंधक और प्रचंड लू यानी उस भयानक नरक के आग में, उस आग के झील में उन्हें डाल देगा, यानी उनके उनके कटोरों में
बांट दी जाएगी, यानी उनके जीवन में ये दुख से भरी हुई सारी विपत्तियां उनके जीवन में डाल देगा, उनके सामने डाल देगा कि लो हमेशा हमेशा के लिए तुम यही चीजें महसूस करो। अनंत काल के लिए वह परमेश्वर क्या करेगा, दुष्ट जनों को भारी आग और गंधक में और प्रचंड लू का मतलब वह उसकी आंच में डाल देगा। और वचन कह रही है क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता। यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर दुष्ट लोगों से और दुष्टता के कामों से खुश नहीं होता, परंतु ऐसे लोगों से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, घृणा करता है। और जितने धर्मी जन हैं वह धर्मी जन से वह प्रसन्न रहता है, उनके कामों से प्रसन्न रहता है, ऐसे जनों से प्रेम करता है। वचन कहती है जो धर्मी जन होते हैं वह उस समय में वह परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। जितने धर्मी जन हैं वो क्या करेंगे, परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। इसलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, परमेश्वर की वचन कहती है कि जो धर्मी जन होते हैं परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों को परखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन बता रही है कि सच में आप भी उस परमेश्वर के परखने के लायक बनो, ताकि वह परमेश्वर आपको परख कर आपको धर्मियों में गिने और आपके ऊपर प्रेम बरसाए और आपको आपके ऊपर अपने धर्म के काम प्रकट करे और आपके आपको अपने राज्य का दर्शन दिखाए। इसलिए स्वयं को आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे बनाए रखिए, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने चरित्र, अपने आचरण, अपने व्यवहार को परमेश्वर की पवित्रता में बनाकर रखिए, ताकि जब वह परमेश्वर आपको परखे तब आप उसके परख में धर्मी ठहरे। आपके अंदर कोई ऐसे दुष्टता के काम, कोई अनर्थ के काम, कोई गंदे काम न होने पाए, ताकि उन कामों को देखकर परमेश्वर आपसे घृणा करे और आपको भी उस आग और गंधक और प्रचंड लू में डाल दे, उस आग के झील में आपको डाल दे कि हमेशा के लिए वही आपको ग्रहण करना पड़े। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सदों आप अपने उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए, कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपने अनंत काल के राज्य के लिए तैयार करने को। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता, प्रार्थना करता हूँ तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले, प्रभु हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई भी प्रकार की बीमारी, प्रभु हर एक बीमारी का जीवन छोड़े और निकल जाए, हर एक बीमारियां इनके शरीर से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके द्वारा जितने भी पाप, जितने गुनाह हुए, प्रभु हर पाप हर गुनाहों से इन्हें मुक्त कर। हे परमेश्वर, हर पाप से हर एक गुनाहों से इन्हें मुक्त कर। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक पापों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि हे परमेश्वर तेरे दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके द्वारा इनके शरीर में ना आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आज इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देविता, तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी है। हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, लोग तेरे विश्वास में, प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, के चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर दे, तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे।
महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा करें, इनके शरीर की रक्षा करें। ओ महान परमेश्वर जो तूने अधिकार दिया तेरे दिया अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने हैं उनमें से हे परमेश्वर जितने बीमार है आज इतने तेरे नाम से वह बीमार चंगे होने पाए। हे परमेश्वर जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से दांत की बीमारी निकल जाए, गले में कोई प्रॉब्लम है नष्ट हो जाए, सीने में दर्द हो पीड़ा हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर पेट में तकलीफ हो पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द घुटने का चुभन नष्ट नहीं पाए। हे परमेश्वर हर एक जोड़ों का दर्द गठिया बात की बीमारी साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर चाहे जो कोई बीमारी हो जुकाम हो खांसी हो बुखार हो बिल्कुल खत्म होने पाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टे दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया सनोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर जिसके पास संतान न हो प्रभु हम तेरे नाम से आदेश करते हैं उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे अनुग्रह करने वाले प्रभु अपनी महिमा की सामर्थ्य से इन्हें भर दे ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है जितनी तकलीफ जितनी पीड़ा है बिल्कुल खत्म होने पाए, हर प्रकार की समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर इनमें से जो एग्जाम दे रहे प्रभु उनके एग्जाम के ऊपर आशीष दे ताकि अच्छे अंकों से पास होने पाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, जितने गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे बढ़ोतरी बरकत हो, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले नौकरी नहीं नौकरी मिले, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, जिसके बाद घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाएं के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वह सदन तेरे सेवा में आगे बढ़ने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरे आशीष के भूखे प्रभु ने आशीष देकर आशीष दे, जितने तेरे पवित्र आत्मा के भूखे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आत्मा की आशीष दे ताकि वह आत्मा में भर जाए और आत्मा के अनुसार चलाए चलने पाए। महान परमेश्वर तेरी महिमा हर एक के ऊपर उतरे और हर कोई तेरी महिमा को पाकर आनंदित होने। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक के ऊपर तुम अपनी आशीष को आने दे, स्वर्ग का स्पर्श हर एक के ऊपर होने दे, स्वर्ग का स्पर्श होने दे ताकि हर कोई स्वर्गीय आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए भी चलने पाए। महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।